टॉपिक क्या पढ़ना था हमें, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मतलब हम कल क्या कौन कौन सा देख चुके थे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट भी देखे थे और फंक्शन स्टेम भी देखे थे और इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेम भी देखे थे, मतलब हम लोग इतना देख चुके थे। आज हमें पढ़ना है कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मतलब स्टेम के कितने प्रकार के, मतलब कितने प्रकार से बदले गए, मतलब बदल जाते हैं, कैसे बदलते हैं, क्या है वो चीजें। कह रहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मतलब स्टेम का मॉडिफिकेशन किन किन चीजों में हो जाता है। तो कह रहा है कि पहला, तो पहला ही दिखा रहा है कि इसमें स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब फूड के स्टोर करने में इसका क्या होता है, मॉडिफिकेशन हुआ। अभी हम पढ़ेंगे कि इसका बताना चाहोगे कोई एग्जांपल, कौन सा ऐसा फल है जिसका स्टेम आप खाते हो, पोटैटो, पोटैटो हो सकता है और टर्मरिक है, हम है। अब समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, कह रहा है कि कुछ ऐसे भी प्लांट है जो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, किसमें, फ्रूट में। एक तरह से आपको लगता है वो फ्रूट है लेकिन मॉडिफिकेशन में क्या रहता है, फ्रूट को स्टोर किया रहता है, उसी को हम क्या करते हैं, खा जाते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल आपको मिला आलू वाला, आलू पे आप रूट को नहीं खाते हो, आलू के स्टेम को खाते हो। जैसे अभी प्याज की बात की जाए, प्याज को क्या खाते हो, लीफ, अभी आएगा आगे, तो ये क्या है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। पहले हमने क्या देखा था, रूट वाले में स्वीट पोटैटो का नाम आया था, कौन, मतलब आप क्या बोलते हो, सिकंजी, क्या बोल रहे थे, गंजी, जो भी हो वही गंजी आप जो बोल रहे हैं, तो आप हम देखे थे किसका था, हम उसका रूट खा रहे थे। अब कह रहा है कि स्टेम की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि स्टेम में भी पहला आता है फूड स्टोरेज, दूसरा है मॉडिफिकेशन क्या होता है, तो वही स्टेम किसमें चेंज हो जाता है, टेंड्रिकल में। तीसरा स्टेम किसमें चेंज हो जाता है, और मतलब कांटों में, मतलब स्टेम देखो किस किस चीज में चेंज हो सकता है, फूड के स्टोरेज में भी काम आ सकता है और टेंडिकल में भी कन्वर्ट हो जाता है। अरे टेंडिकल समझ में नहीं आ रहा है तो बता दे रहा हूँ, आपने देखा होगा लौकी या क्या बोलते हैं नेनुआ, ऐसा चीज का देखे हो नहीं, पौधा जब वो चढ़ता है, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ भागता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक लकड़ी कोई लगा देते हैं जिससे सारे वो ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उसमें एक क्लेंजिंग ऐसे बांधता रहता है, अरे पकड़ता है ना इसे, ताकि एक भी चीजें बचे ना, आपको दिख जाए कहाँ इसी को ये चीजें बोली जा रही है,
ठीक कह रहा है कि ऑफसेट आपने देखा होगा पानी में, पानी में रहते हैं ना, वाटर हाइजीन एग्जाम्पल सुने होंगे। अरे जलकुंभी, अब जलकुंभी एक जलकुंभी दूसरे जलकुंभी से जो जुड़ा होता है, ये क्या होता है जो जुड़ने का पार्ट होता है, क्या होता है वो भी स्टेम ही होता है, वो भी मोडिफिकेशन है किसका है, स्टेम का ही है। ये कह रहा है कि शकल, शकल में कौन कौन आएगा, शकल में आ जाएगा बनाना आ जाएगा, राइजोम आ जाएगा। आपने बनाना देखा है तो शकल में क्या होता है, ये एक तरह का आप देखते होंगे ये भी क्या मोडिफिकेशन है, स्टेम का ही पार्ट है। जैसे आप बनाना देखो ना उसका सीड थोड़ी लगाते हो, स्टेम ही तो काट के लगाते हो, वो भी कह रहे हैं वो कैसे शकर जैसे निकलते हैं, वो भी किसका मोडिफिकेशन है, स्टेम का ही मोडिफिकेशन है। अब सिंपल सी बात सुनो, मोडिफिकेशन आप स्टेम के कितने पार्ट, सात पार्ट। पहला क्या है फूड स्टोरेज, दूसरा क्या है टेंडल, तीसरा क्या है कॉर्न, चौथा क्या है फाइलोकोलाइडी, पांचवा क्या है स्टोलन, छठवा क्या है ऑफसेट, सातवा क्या है शकर। ये याद रखिएगा, इन्हीं का कहानी पढ़ना है। तो अब पहला ही हमारा आता है फूड स्टोरेज। आखिर स्टेम में मोडिफिकेशन आप क्या मोडिफिकेशन आप मतलब फूड स्टोरेज होता है तो होता कैसे है, कहां हो रहा है, तो कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब कह रहा है स्टोर तो फूड होते हैं लेकिन कहां होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में होते हैं, मतलब अंदर होते हैं, जमीन के अंदर वो स्टोर हो रहे हैं। तो कह रहा है कि पहला एग्जाम्पल क्या दिया आपको, आलू, आलू आपने देखा होगा तो जो आलू खाते हैं वो भी किसका मोडिफिकेशन है, स्टेम का ही मोडिफिकेशन है, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है, तो फूड स्टोरेज ऑफ स्टेम। समझ आ गया। तो अब आपसे कोई पूछे कि अब आप आपसे कोई पूछे कि जो पोटैटो है, पोटैटो को आप क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। फिर आपसे कोई पूछ ले जिंजर, अदरक का क्या खाते हो, स्टेम खाते हो। अगर आपसे टर्मरिक हल्दी का पूछ लिया जाए तो क्या खाते हो, स्टेम खाते हो। अगर आपको अरवी जानते हो ना, जलकंडी मतलब अरुआ, अरवी सुने हो, तो अरवी जो खाते हो भी क्या है, स्टेम है, स्टेम ही है। फिर कह रहा है कि कॉलकेशिया, इसका भी क्या खा रहे हैं, स्टेम ही खा रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, फूड स्टोरेज किए रहते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में इनको काट के या बना के जैसे भी हम खा जाते हैं। फिर कह रहा है कि आल्सो एक्ट ऑफ द ऑर्गन इन द पेनिट्रेशन टू टाइड ओवर द कंडीशन ऑफ द अनफेवरेबल पार्क ग्रोथ, मतलब कह रहा है कि ये जो देखते हो फूड स्टोरेज होता है, ये क्या होता है, अनफेवरेबल ग्रोथ होता है। अनफेवरेबल मतलब जो उसका कंडीशन नहीं मिलता है ग्रोथ करने के ऊपर, तो वही भोजन को क्या करता है, अपने स्टेम में स्टोर कर लेता है। जैसे मान लो तुम भोजन खूब रखे हुए हो, तुम रखे थे कि हाँ खूब गर्मी पड़ेगा तो मैं खाऊंगा, अब पता चला कि गर्मी पड़ा ही नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन हो गया ना तुम्हारे लिए, तो क्या करोगे, स्टोर करके रखे होगे ना, तो वही कह रहा है कि ये भी क्या करता है, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में उस भोजन को क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। जब स्टोर करके रखते हैं तो पता चलता है हम मनुष्य लालची, फिर हमको उसको क्या करते हैं, उखाड़ते हैं, फिर उसके स्टेम को निकाल के या तो बेच देते हैं या तो खा जाते हैं। आलू आप खाते ही हो, जिंजर खाते ही हो, टर्मरिक खाते ही हो, यूज करते हो ना, और भी लोग खाते ही, मार्केट में आता है बंडा उंडा ऐसे पीछे जो भी आता है, और भी कई पार्ट है, फिर कलकोशिया जो होता है ये भी मार्केट में आता है। तो कहने को तो हम क्या करते हैं, इसके स्टेम पार्ट को खा जाते हैं जिसमें फूड स्टोरेज होता है। अब कह रहा है कि स्टेम टेंडिकल, अब स्टेम टेंडिकल मैं अभी बोला हूँ कि कैसे होता है, कुछ ऐसे होते हैं, अरे टेंडिकल मतलब ऐसे घुमाता घुमावदार बना रहता है, देखे हो ना, अरे घर पे तो अरे आप छोटे थे तो तोड़ के उसको स्प्रिंग से बजते थे, उसको दाबते थे, फिर बराबर करके खींच दिए थे, तो वही टेंडिकल की बात कर रहा, अब याद आ गया ना चीज, तो कह रहा है कि कैसा होता है, तो ये जो होता है सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, क्योंकि आप देखते तो गोल रहता है ना वो, आप जब दापते हो तो दबता भी है वो, तो कह रहे हो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और स्पेरिकली कोलाइड होता है, मतलब स्पेरिकली मतलब ऐसे सीधा निकला हुआ होगा लेकिन ऐसे कोलाइड होगा। फिर कह रहा है कि स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द एग्जैक्टली वर्ड, मतलब कह रहा है कि ये निकलते कहाँ है, तो जो प्लांट होता है, प्लांट के जो एग्जैक्टली बर्ड होता है उस बर्ड से क्या अराइज होता है, स्टेम टेंडिकल, मतलब अब एग्जैक्टली बर्ड का मतलब क्या होता है बताना चाहोगे, एक लेटरल होता है एक एग्जैक्टली होता है, कल भी मैंने पढ़ाया था लेटरल ग्रोथ इंटर नोड में पढ़ाया था, नोड और इंटर नोड, अरे कल मैंने नोड और इंटर नोड पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, अरे यार ऐसे शुगर कैन का मैंने फिगर बनाया था, इसे खींचा था, फिर यहाँ पे एक पत्ता निकाल के दिखाया था,
और इसके बीच के मैंने बोला था कि इंटर नोड है, ये दोनों नोड है, पढ़े हो तो कह रहा है कि ये कहां से निकलते हैं, तो ये निकलते हैं कहां से, एक्जेली बर्ड से, मतलब जो एक्जेली बर्ड शुरुआती निकलने वाली होती है उसी के पास से क्या निकल जाता है हमारा स्टेम, टेंटिकल निकल जाता है, जहां से मतलब ग्रोथ होना वाला होता है वहीं से कौन एराइज होता है, स्टेम टेंटिकल भी होता है, एक्जेली बर्ड वही होते हैं जो सबसे अपर पार्ट पे पाए गए। कोई भी प्लांट ग्रोथ कर रहा होगा तो क्या होंगे, सबसे अपर पार्ट में जो पाए जाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्जेक्टली बर्ड बोलते हैं, जो छोटे छोटे से निकलने वाले होते हैं। तो कह रहा वहीं से क्या होते हैं, स्टेम ऑफ टेंटिकल भी एराइज होते हैं, मतलब निकलते हैं, ये भी किसके पार्ट है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के ही पार्ट है। फिर कह रहा है कि दे हेल्प ऑफ द प्लांट आप क्लाइम, मतलब कह रहा है कि किसमें हेल्प करते हैं, तो आप बताओ कि आप भी तो बचपन में देखे थे इन चीजों को, ये हेल्प किसमें कर रहे थे, एक स्टिक अगर लगा दो तो उसमें क्या करते थे, ऐसे घुमाता और फंस जाते थे और ऊपर की तरफ बढ़ जाते थे, मतलब क्या होता था इनका सीधा ग्रोथ होता रहता था। तो ये भी क्या कर रहा है, ये क्लाइम मतलब चढ़ने में हेल्प करते हैं किसको, प्लांट को। तो आगे एक चीज बताओ, जो उठ नहीं सकता, जिसके पास अपना सपोर्ट नहीं होता, तो क्या करता है, किसी स्टेक या किसी झाड़ी या किसी के क्या करते हैं, इसे क्लाइंबिंग करके बांध के और क्या करता है, ऊपर बढ़ता रहता है। तो क्या करता है, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ता रहता है ऊपर की तरफ, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। फिर कह रहा है कि इसका एग्जांपल क्या है, तो कह रहा है कि ग्राउंड में, मतलब इस ग्राउंड में ही फैलते हैं, लेकिन इनको स्टिक लगा दो क्या करेंगे, क्लाइंबिंग करके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो कह रहा है कि इसका एग्जांपल क्या है, जैसे खीरा का आपने देखा होगा, खीरे का पौधा देखा है, कुकुम्बर मतलब खीरा, खीरे के पौधे देखे और उसको भी जब हम, या तो उसको लोग बोलते हैं गांव में झेमड़ा बोलते हैं, अरे गांव में झेमड़ा बोलते हैं, समझ आ रहा क्या बोलिए, अरे ऐसे चार खंभा गाड़ देते हैं और रस्सी बांध देते हैं, मचान टाइप का, वो मचान भी नहीं है, झेमड़ा ही होता है, क्योंकि रस्सी ही बांधी जाती है, मतलब रस्सी बांधी जाती है उसी को चढ़ता है और जो फल होता है वो नीचे लटक जाता है। सेम कहानी यहाँ भी है, कह रहा है कि भी क्या करता है, टेंटल के सारे चढ़ते हैं और इनका फल जो होता है नीचे इजिली लटक जाता है, तो हम क्या है, हम उसको इजिली तोड़ पाते हैं। तो वही कह रहा है कि इसका एग्जांपल क्या क्या है, कुकुम्बर मतलब खीरा, और इसका एग्जांपल क्या है, पंपकिन मतलब कद्दू, फिर कह रहा और वाटर मीन मतलब तरबूजा बोला जाता है या तरबूज बोला, ठीक है जो भी बोला जाता है समझ में आ रहा है ना, खीरा पंपकिन और वाटर मीन, ये एग्जांपल किसके है, स्टेम टेंटिकल के। फिर कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, ग्रेविनियस में बोल रहा है कि आखिर ये आएंगे किस में, किस फैमिली में आएंगे, तो किस में आएंगे, कुकुर विटेसी फैमिली में आएंगे, कुकुर मतलब कुत्ता नहीं, कुकुर विटेसी फैमिली मतलब जो फल जो सब्जी आपकी है, कुकुर मीनिंग यही है, पढ़ते कुकुर विटेसी है, टेंशन ना लीजिएगा, बायोमोई सिस्टम है ना, मीनिंग ऐसा होता है, पढ़ने का तरीका अलग होगा, नहीं वही है, इसका नाम होता है कुकर, कुकर बिटेसी, ठीक है, कुकर बिटेसी फैमिली जो होती है उसमें वही लोग आते हैं जो सब्जी है हमारे। तो एक चीज बताओ, ये भी तो सब्जी में आ जाता है आपका, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, आप लौकी की बात करें, नेनुआ की बात कर ले, किसी भी चीज की बात करें, जिसकी सब्जी आप खा रहे हैं, तो क्या सब इसी में तो आते हैं, करेली भी तो होता है, करेली और जो मन करे जो तुमको याद करना है कर लो, जो मतलब लत्ती से पड़ता हो, लता जानते हो ना, जो लता निकलता हो उस लते से क्या निकलता हो, टेंटिकल निकलता हो, उसी का फल तो है ये, उसी के नाम में है। तो किसका एग्जांपल है, भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का ही एग्जांपल है। तो क्या आएगा इसमें, स्टेम टेंटिकल। अब देखो क्या बोला, अब क्या आएगा, कांटा वाला देख लेते हैं, फर्न मतलब कांटे, तो कह रहा है कि ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, तो है तो है कैसे, ये तो जानना है, दूसरा क्या जानना है। तो कह रहा है इसमें ये कैसे होते हैं, तो जो कांटे निकले होते हैं एक तरह से लगता है हमें क्या है कि वो एक तरह से ऊडी है, मतलब लकड़ी है, पता तो ये चलता है कि लकड़ी है, कभी हला है मतलब आपको कभी चुभा है कि नहीं चुभा है, हाँ मतलब हलना का मतलब चुभना, दोनों बात पूछ रहा हूँ इसीलिए, अरे गुलाब तोड़ने तो गए होगे ना, नहीं खरीदते ठीक है, लेकिन कहीं फ्लावर अगर निकला हुआ होता है गुलाब का तो लोग अलग से मतलब लोग देखते तो ठीक है, लेकिन आधा दिमाग में ही रहता है कि इसको तोड़े कैसे, तोड़े हुए देखा तो चुभा ही होगा, ठीक है, तो वहीं से तो बात चल रही है यहाँ। तो कह रहे कि क्या है, कांटे भी होते हैं, तो कह रहे होते कैसे, जब चुभा था तो आपको पता चला था ना कि लग रहा होगा कि एक लकड़ी जैसा कुछ टाइप से चीज है, उसी को क्या बोलते हैं, थॉर्न बोलते हैं। तो कह रहे कैसा होता है, तो वो ऊटी होता है, और कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है,
स्ट्रेट मतलब सीधा होता है, और क्या होता है पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड मतलब नुकीला होता है, मतलब स्ट्रांग भी होगा, लंबा भी होगा और नुकीला भी होगा, जो चुभने का काम करता है। कह रहा है कि स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द एग्जैक्टली, अब देखो क्या है यहाँ भी टेंडिल का भी आविष्कार किससे हुआ था, मतलब एराइज किससे हुआ था, हॉर्न भी एराइज किससे हो रहा है, तो अब याद रखिएगा स्टेम भी एराइज किससे हो रहा होगा, बस कहानी यही है। कह रहा है कि दे प्रोटेक्ट, मतलब कह रहा है कि जो कांटे निकले होते हैं प्लांट में, ये मतलब दिखावे के लिए नहीं निकले होते हैं, ये प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब उसके सुरक्षा के लिए निकले होते हैं, लेकिन फिर भी हम चला का आदमी फिर भी तोड़ लेते हैं। वो अलग बात है कि जानवर जब जाता है उसको खाने तो दिक्कत में आ जाता है। तो कह रहा है कि द फार्म ऑफ द ग्रोइंग ऑफ एनिमल, मतलब कह रहा है कि वो निकले इसलिए होते हैं, प्रोटेक्शन करता है किससे, कि कोई जो जंगली जानवर है या जो जानवर उसको खाते हैं वो उसको खा ना पाए, जब खाने जाए तो क्या हो जाए, कांटे चुभ जाए, जब कांटे चुभेगा तो कोई भी भगेगा, कुछ आपको भी चुभता तो आप तुरंत हाथ खींचते हो। तो वही कह रहा है कि जो कांटे निकले होते हैं, जो एग्री बर्ड से निकले होते हैं, जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, वो ऐसे ही नहीं निकले होते, वो प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए निकले होते हैं, मतलब उसके बचाव के लिए निकले होते हैं, बचाते भी किससे है, तो ग्रोइंग एनिमल्स के लिए, मतलब जो एनिमल उसको खाने वाला होता है, जब खाने जाता है तो कांटे क्या होते हैं चुभ जाते हैं और जानवर उसको खा नहीं पाता है, क्या होता है अपने आप से बचे रहते हैं। कह रहे हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, सिट्रस है और बागू विलिया है। अब अगला हमारा क्या क्या पढ़ना है, थॉट तक तो हो गया, और फाइलोकोलाइडी स्टोलेन और ऑफसेट और फिर ससकल। तो फाइलोकोलाइडी में क्या पढ़ना है, फाइलोकोलाइडी को पहले मैंने बताया था कि इसका स्ट्रक्चर टू कैसा होता है, नागफनी आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा, इसमें कुछ ऐसे क्या होते हैं कांटे लगे होते हैं। कह रहा है कि ये जो आपको नागफनी जिसको बोलते हो आप, कह रहा है कि वो जो आपको चौड़ा पार्ट ये दिख रहा है, कह रहे हैं जो चौड़ा पार्ट है किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो फिर आप पूछेंगे कि पत्तियां कहाँ गई, पत्ती के जैसा तो दिख रहा है लेकिन ये है किसका मॉडिफिकेशन, स्टेम का। तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि आखिर इसका पत्ती कहाँ गई, इसका पत्ती जो ये कांटे दिख रहे हैं, जो कांटे उसमें से दिखते हैं वही कांटे क्या है उसकी पत्तियां है, वही किस में कन्वर्ट हो गई है, तो वहां स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखना दो मीनिंग यूज किया गया था, एक थॉर्न का यूज किया था और एक स्पाइन का यूज होगा। तो थॉर्न जो होता है मतलब कांटे तो दोनों है, लेकिन जो थॉर्न होता है वो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, लेकिन स्पाइन जो होता है वो मॉडिफिकेशन होता है लीफ का। डिफरेंट याद रखिएगा, स्पाइन लीफ का है और थॉर्न स्टेम का। तो कह रहा है पहले से कि फाइलोकोलाइड देख लो, कह रहा है कि ये कैसे दिखते हैं, हरे कलर के दिखते हैं और फ्लैटेड होते हैं, मतलब और कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं और फ्लेसी होते हैं, फ्लेसी और सिलेंड्रिकल, मतलब मोटे होते हैं और सिलेंड्रिकल जैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये देखने में कैसे होंगे, हरे होंगे, चौड़े होंगे, मोटे होंगे और सिलेंड्रिकल टाइप के होंगे। फिर कह रहा है कि स्टेम कंटेनिंग टू द क्लोरोफिल, कह रहा है कि इसका जो स्टेम है ये जो चौड़ा पार्ट है यही तो ग्रीन कलर के दिखते हैं, तो कह रहा है और उसमें क्या रहेगा, वही कह रहा है कि स्टेम कंटेनिंग, वो स्टेम किस से बना होगा, क्लोरोफिल से मिलके बना होगा, और क्या कराएगा वो, फोटोसिंथेसिस। तो अब आपसे पूछा जाए कि जो नागफनी प्लांट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस लीफ कराता है कि स्टेम कराता है, स्टेम कराता है, दिमाग में रखिए यही सब क्वेश्चन आएगा नेट में, इतना टफ नहीं आता है। फिर अगला लाइन देखिए, कह रहा है कि फाउंड ऑफ द सम प्लांट, मतलब कह रहा है कुछ ऐसे भी प्लांट है जो एराइज, मतलब कहां एराइज होते हैं, तो कह रहे हैं फाउंड इन सम प्लांट ऑफ राइट रीजन, मतलब कहने मतलब डिजर्ट जानते हो, सॉइल जानते हो, डिजर्ट और सैंडी सॉइल, तो वहां पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उनमें अक्सर ये चीजें देखने के लिए मिलती है, जैसे नागफनी हुआ, एक और होता है जो क्या बोलते हैं, जो शंकर जी का जो मंदिर होता है उसके बगल में एक पौधा लगाया जाता है, वो भी मतलब किसी दवाई के रूप में ही यूज किया जाता है, नहीं नहीं बेलपत्र पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, दूसरे नाम है वो भी आप देखेंगे तो वो भी किसी का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन बोलते हैं, नहीं धतूर नहीं होता है, कुछ ऐसा ही निकला होता है, बस उसके प्लांट होते हैं साइड साइड कांटे लगे होते हैं और कुछ ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन निकला होता है, और ऊपर सबसे ऊपर दो तीन पत्तियां निकली होती है ऐसे, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, अभी नाम मुझे भी नहीं याद है,
बस ये जानिएगा कि जो फेलोकुलाइड होते हैं ये डिजर्टी प्लांट है, ये डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। ऐसा होने का पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे पानी, जानते हो कि डिजर्ट पे पानी कम होता है, वहाँ पानी होता ही नहीं है। अब इनको पानी को बचाना होता है, इसीलिए क्या अगर लीफ होंगी तो पतला होगा ना, वहाँ टेम्परेचर हाई होता है, तुरंत पत्तियां क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, मुरझा जाएंगी। इसलिए क्या होता है, जो पत्तियां होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वही जो स्टेम होता है किसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, लीफ के पता लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। और कैसा होता है, ग्रीन होता है, फ्लेटेड होता है और फ्लेसी सिलेंड्रिकल होता है, मतलब मोटा होता है ताकि ज्यादा भी टेम्परेचर पड़े तो उसका वाटर लॉस ना हो। ये भी आपको मालूम हो कि जो डिजर्ट के प्लांट होते हैं वो अपना भोजन रात में बनाते हैं, दिन में कभी नहीं बनाते हैं, क्योंकि दिन में जब भी बनाएंगे तो टेम्परेचर हाई रहता है और वाटर जब जाएगा भोजन बनने के लिए तो तुरंत इतना गर्मी रहता है, इतना टेम्परेचर रहता है कि क्या करेगा, वाटर वाश बन के निकल लेगा तो भोजन बन ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 तो हर जगह अवेलेबल है, CO2 को रात में मतलब सनलाइट को दिन में एब्जॉर्ब कर लेता है और रात में क्या करता है, CO2 और सनलाइट वाटर को मिस करके अपना भोजन बना लेता है, इसीलिए इसका वाटर लॉस नहीं होता। तो इसके पीछे का पर्पज यही है कि इसके में यहाँ मॉडिफिकेशन किया। अब कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, अपोन्सिया, वही इसी को अपोन्सिया बोलते हैं नागपन्नी को। फिर बोला कि एक और क्या होता है, यूफोबिया, जिसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर लाइक स्टेम पाया जाता है। ये भी दो ही एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, पाइला कोलाइड का दो एग्जाम्पल, अपोन्सिया और यूफोबिया, इतना याद रहेगा ना, एग्जाम्पल ही याद रखना है, जितना अभी तक पढ़ाया हूं ना। ये नहीं पूछेगा क्या है, वो टेंटिकल का एग्जाम्पल पूछ लेगा, थॉर्न का एग्जाम्पल पूछ लेगा, पाइला कोलाइड का एग्जाम्पल पूछ लेगा, स्टोलन का एग्जाम्पल पूछ लेगा, ऑफसेट का एग्जाम्पल पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि किसके मॉडिफिकेशन है, लीफ के कि स्टेम के, तो स्टेम के। अब कह रहे हैं कि स्टोलन, स्टोलन में क्या आते हैं, जो रनर प्लांट होते हैं, जो मतलब रेंग के भागते हैं बहुत ही स्पीड में, तो वही कह रहा है कि कैसा होते हैं, सिलेंड्रिकल और लेटरल ब्रांच, मतलब कह रहा है कि सिलेंड्रिकल जैसे दिखेंगे। अगर एक प्लांट यहाँ पे मैं तैयार कर दूं, एक प्लांट यहाँ पे है, इसी में से एक निकलेगा तो फिर एक यहाँ हो जाएगा, फिर एक यहाँ हो जाएगा, फिर एक यहाँ हो जाएगा, क्या होंगे, रनर प्लांट होंगे, मतलब एक जगह मेन होगा, बाकी सब भागता हुआ, मतलब भागता जाएगा, ही यहाँ भी जड़ बनेगा, यहाँ भी जड़ बनेगा, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, फिर यहाँ मान लो यहाँ हो गया तो यहाँ भी बन जाएगा आगे। ऐसे क्या होता है, रनर मतलब दौड़ना, दौड़ते हो तो कुछ लंबाई आप कवर करते हो ना, तो ये भी क्या है, रनर प्लांट है। तो कह रहा है कि रनर प्लांट कैसे होते हैं, तो सिलेंडर होते हैं, लेटरल ब्रांच, मतलब लेटरल ब्रांच निकली हुई है। ये कह रहा है कि एराइज फ्रॉम द बेस, बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एराइली फॉर्म सम टाइम ऑफ द डाउनवर्ड टू द टच ऑफ द ग्राउंड, मतलब कह रहा है कि जो मेन प्लांट है, इस मेन प्लांट के जो मेन एक्सिस होगा वहां से क्या करेगा, ये एराइज करेगा, मतलब निकलेगा, ये मान लो बढ़ेगा ऊपर की तरफ, बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ेगा कि नीचे ऊपर तो सपोर्ट है नहीं, ये क्या करेगा, लास्ट में जमीन को टच कर जाएगा। अरे कोई भी आप प्लांट लगाते हो जो बढ़ता बढ़ता रहता है, जो उसकी जो होती है स्टेम मजबूत नहीं होता, क्या करता, फिर लटकता है नीचे, ये भी क्या करेगा, बढ़ेगा फिर नीचे लटकेगा, जो जो पार्ट लटकने के बाद सॉइल से टच होगा, मतलब ग्राउंड से टच होगा, वही प्लांट क्या करेगा, फिर आगे भागेगा, फिर ये बढ़ना स्टार्ट करेगा, फिर वो भी ज्यादा बढ़ेगा तो भी क्या करेगा, वो भी ग्राउंड को टच करेगा, फिर ऐसे करते करते क्या होंगे, बहुत दूर तक फैले हुए होते। तो कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप मिंट प्लांट और जैस्मिन प्लांट, जैस्मिन का फ्लावर देखो ना, दिल देखे हो, अच्छी बात है मेरे भाई, जैस्मिन का पौधा देखे हो ना कैसे भागता है, कहीं भी एक दीवार पे लगा दो तो पूरा दीवार ही फैल जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, स्टोलन के, स्टोलन में तो होता है रनर प्लांट, इसके एग्जांपल कौन कौन है, मिंट और जैस्मिन। मिंट मतलब आपने देखे हो ना, पुदीना का पौधा देखे हो, मिंट मतलब पुदीना का पौधा देखे हो, एक लगाया जाता है बहुत सारा हो जाता है वहां पे आसपास जड़ बना के, ये क्या है, स्टोलन है जो रनर प्लांट होता है। तो मिंट और जैस्मिन किसका एग्जांपल है, स्टोलन या रनर प्लांट के। आप कह रहा है कि ऑफसेट, तो जलकुंभी देखे हो ना, एक एक तालाब में एक जलकुंभी डालो तो पता चलेगा, अगर साल भर बाद देखो तो पूरा तालाब ही जलकुंभी भरा पड़ा। इसका बहुत अच्छा केसेस भी है, 12 में दो जगह इसकी बात की गई है, प्लस 12 में इस पे दो जगह बात की गई है, ये जिस तालाब में रहते हैं, अगर जिस तालाब को पूरे अच्छे तरीके से अगर ये कवर कर ले तो क्या करते हैं, नीचे की जितने एक्वेटिक फिशेस होती है क्या कर जाती है, डेड कर जाती है, मर जाती है, उस तालाब में मछलियां नहीं जिंदा रह पाती, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, पानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले जाता है। बहुत खतरनाक प्लांट है ये, वो डेंजरस है। ये कह रहा है कि ईट इज द
लेटरल ब्रांच विद द सॉर्ट ऑफ इंटर नोड एंड द ईच नोड ऑफ द बेयरिंग रोस्टेड ऑफ द लीफ एंड टफ ऑफ द रूट. मतलब कह रहा है कि आपने एक जलभूमि का प्लांट देखा होगा, एक आपने देखा होगा जलभूमि का प्लांट कुछ ऐसा होता है, ये गोल सा होता है, फिर इस पे से थोड़ा सा पत्ता निकला होता है इसी, फिर एक और ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर इसके ऊपर पत्ता निकला रहेगा. तो मान लो ये सब प्लांट है, तो कह रहा है कि यहीं से एराइज होगा, रूट एराइज होगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, एक ऐसा बनाएगा और एक सोना रहा, क्या बता रहा हूं. ऐसा ही तो पत्ता होता है इसका. ये जो सर्किल पार्ट होता है सिलेंड्रिकल पार्ट में, ये क्या करता है, इसमें एयर भरे होते हैं. अगर इसमें एयर नहीं भरा होता तो ये प्लांट इतनी पानी में डूब जाता. अब ये एयर होता है क्या करता है, पानी को ऊपर खींच के रखता है. लेकिन यहाँ जो कह रहा है ऑफसेट में, इस चीजों की बात कर रहा है, एक ही जलकुंभी से दो जलकुंभी बने ना, दो से चार, चार से छह, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं. इसीलिए तो एक जलकुंभी किसी तालाब में छोड़ दो, मतलब एक ऑफसेट का प्लांट ले जाके तालाब में छोड़ दो, तो आप छह से एक साल में देखो पूरी तालाब फैल जाए, उनकी ग्रोथ इतनी तेज होती है. और उसमें तालाब में जितना भी मछलियां होंगी सब मर जाएंगे. मरने का पीछे का रीजन होता है कि सनलाइट नीचे जाता नहीं है, ऑक्सीजन जो रहता है यही खींच जाते हैं, तो फिर बनेगा कहां से ऑक्सीजन. इसीलिए जो फिशेस होते हैं क्या करते हैं, डेप कर जाते हैं. तो कह रहा है कि ये कैसा होता है, तो देख लो कहानी यही है. बोल रहा है कि किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इसका ऑफसेट में, मतलब ये पानी में रहते हैं. कह रहा है कि ये क्या है, लेटरल ब्रांच, मतलब यहाँ से लेटरल ब्रांच निकला हुआ कि नहीं निकला हुआ. फिर क्या, लेटरल ब्रांच इन द शॉर्ट इंटरनोड, मतलब कह रहा है बहुत छोटा रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता ये दूरी. फिर कह रहा है कि उसके बाद से ईच नोड बेयरिंग द, मतलब कह रहा है कि इसमें से जितने नोड निकलेंगे उतने नोड, मान लो एक इधर निकला, क्या पता है इधर निकल गया हो, क्या पता है नीचे निकल गया हो, क्या पता है ऊपर निकल गया हो, क्या यहाँ निकल गया हो. कह रहा है कि एवरी नोड, जितने नोड होंगे कह रहा क्या होंगे, रोस्टेड होंगे और लीफ एराइज करेंगे और क्या करेंगे, टॉप ऑफ रूट, रूट को क्या करेंगे, जकड़ के भी रखेंगे, यही से जुड़े होंगे सब. अरे कभी जलकुंभी का पौधा उठा के देखिएगा, समझ में आ जाएगा क्या. कह रहा कि इसका एग्जांपल क्या होता है, ये होते क्या है, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, पानी में रहते हैं. इसका एग्जांपल दो ही होता है, पेस्टिया और आइकॉर्निया. पेस्टिया और आइकॉर्निया का ऑफसेट का एग्जांपल दो, पेस्टिया और आइकॉर्निया. स्टोर का एग्जांपल दो, मिंट और जास्मीन. फाइलोकोलाइट का एग्जांपल दो, अपुंसिया और यूफोरबिया. अब आ रहे हैं शकर पे. शकर में कह रहा है कि देखो इट इज द लेटरल ब्रांच, तो कह रहा है कि आप एक आपने बनाना का पौधा ऐसा दिखा होगा, बनाना दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा. कह रहा है कि जो बनाना का पौधा होता है, अब देखो क्या कह रहा है, इट इज द लेटरल ब्रांच. कह रहा है कि इसमें से क्या निकलते हैं, लेटरल ब्रांच एराइज होते हैं. तो लेटरल कहां से निकलेंगे, यहीं से. तो आप देखते होंगे कि यहीं से एक और प्लांट निकल के आता है जो छोटा सा रहता है बनाना. सही होता है, एक और पौधा निकलता है ना उसके जड़ों से. तो कह रहे हैं कि क्या होता है, लेटरल ब्रांच डेड और जिनेट फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेक स्टेम. मतलब कह रहे हैं कि क्या करता है, ये लेटरल से निकलता है इसके बेसल ग्राउंड, मतलब ये क्या होता है, सोइल के अंदर से निकलता है और नया प्लांट का एराइज करता है, मतलब निकालता है, नया प्लांट बनाता है. ऐसे ही तो होता है. फिर क्या करोगे, यहीं से एक और निकल के आएगा, मान लो यहीं से निकाल लेते हैं, यहां से मामले से निकल गया, फिर एक और प्लांट तैयार कर जाएगा.
होता है कि नहीं ऐसा प्लांट में केले ऐसे ही तो निकलता है। एक केले का पौधा होता है वहां देखते हैं तो एक लगाओ वहां कितने एराइज होते हैं मतलब कितने निकल आते हैं। तो वही कह रहा है कि क्या है, कह रहा है कि लेटरल ब्रांच गेट ऑर्डिनेट फॉर्म टू द बेसल अंडरग्राउंड, मतलब कह रहा है कि जो बेसल पार्ट है इसके अंडरग्राउंड से क्या होता है पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, जो मेन स्टेम होता है इसी के लेटरल पार्ट से क्या करता है नया प्लांट निकल आता है। तो ये नया प्लांट है ना, अब इसको यहाँ से काट के लगा दो कहीं और फिर भी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इट इज ग्रो हॉरिजॉन्टली, मतलब कह रहा है कि क्या है पहले ग्रो कैसे करता सॉइल में, हॉरिजॉन्टली करता है, देख रहे हो ना, पहले हॉरिजॉन्टली कर रहा है फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर कह रहा है देखो, कह रहा है कि एंड कम आउट ऑब्लिक्युअली अपवर्ड गिविंग टू द एराइज लीफ शूट, मतलब कह रहा है कि क्या कर रहा है वर्टिकली निकलता है लेकिन फिर क्या करता है ऊपर की तरफ जाता है फिर नया प्लांट निकल आता है। यही बात इसको बोला गया अपवर्डली, ऊपर की तरफ जाकर फिर प्लांट निकल आता है। फिर कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल क्या है ऐसा अगर जिसमें देखने के लिए मिल रहा हो, पहला ही एग्जाम्पल दिया है बनाना, दूसरा दिया है पाइन एपल, तीसरा दिया है क्राइसेंथम, कहा है तुम नहीं बोल पाएंगे हाँ सही है बस बोला बनाना पाइन एपल कुछ भी है क्राइसेंथम याद रहेगा ना। तीन देखो सब में दो दो एग्जांपल हमने देखा है, यहाँ पे तीन एग्जांपल फिर मिल गया, कौन कौन सा बनाना पाइन एपल और क्राइसेंथम, मतलब ये तीन एग्जांपल है किसके शक्कर के। अब समझ में आया ना कि बनाना में कैसे निकलता है, यही है लेटरल बेसल जो भी कहानी है दिख रहा है ना, सब फिगर बना के दिखा रहा हूँ इसीलिए ठीक है। अब कह रहे हैं कि अंडर अंडरग्राउंड स्टेम सब प्लांट, कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो अंडरग्राउंडली होते हैं मतलब जमीन के नीचे से भी होते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं जैसे ग्रास ग्रास का और स्ट्रॉबेरी का, तो कह रहा है कि ये कह रहा है कि अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द सब प्लांट, मतलब कह रहे हैं कि इसके कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसके स्टेम क्या होते हैं अंडरग्राउंडली होते हैं। तो अगर मान लो मैं एक धूप का पौधा यहाँ बना दूं, धूप जानते हो ना, हाँ सर ग्रास जानते हैं, हाँ तो इसी का क्या होगा अंडरग्राउंड से एक स्टेम निकल के आएगा यहाँ पे फिर जड़ हो जाएगा फिर यहाँ पे एक तैयार कर ले जाएगा फिर ऐसे ये बढ़ता हुआ जाएगा फिर एक यहाँ पे तैयार कर ले जाएगा, ठीक है सब अंडर ग्राउंड ही ऐसे ही तो होता है। अब मेन जड़ यहाँ होता है, जब आप पकड़ के ऐसे खींचते हो तो सब निकलता चला आता मेन जड़ के पास। ये कह रहे हैं कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उसका एग्जाम्पल कौन कौन है, ग्रासेस है और स्ट्रॉबेरी है। तो कह रहा है कि स्पेयर टू द न्यू आर्मी के एंड द वेयर ओल्डर पार्ट ऑफ द डाई एंड न्यू प्लांट फार्म, मतलब कह रहा है कि अब देखो क्या होगा, कह रहा है कि जब एक पुराना पौधा था कोई ग्रास का ये आगे बढ़ा तो यहाँ पे नया पौधा जनरेट हुआ, तो जब नया पौधा जनरेट होता है क्या करेगा पुराना खत्म हो जाएगा फिर ये आगे वालों को जनरेट करेगा, जब नया बनेगा तो पुराना मर जाएगा, फिर कह रहा है कि आगे वालों को करेगा पुराना मर जाएगा। तो यही कह रहा है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम वाले प्लांट होते हैं जब भी उसे नया प्लांट को एराइज होता है तो पुराने पौधे क्या कर जाते हैं ओल्ड पार्ट डेड, ओल्ड पार्ट वाले क्या करेंगे डेड हो जाएंगे और न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया,